सब्सक्राइब करें द स्पीड स्टडी चैनल को और घंटी वाले बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, आपका अपने परिवार द स्पीड स्टडी पर स्वागत है। आज हम लोग जो है, जैसा कि आप थंबनेल में देख चुके होंगे कि सीटेट 2021, जी हाँ दोस्तों, सीटेट 2021 जो है, इसका एडमिट कार्ड आ चुका है। अब हम लोग आज क्या खास है इसमें ध्यान से देखिएगा दोस्तों। सबसे पहली चीज़ तो हम देखेंगे कि आखिर इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। दूसरा चीज़ हम ये देखेंगे कि इसमें जो है दोस्तों, जो बच्चे एडमिट कार्ड नहीं निकाल पा रहे हैं या फिर आपके मार्कशीट में ये कमियाँ हैं तो आप एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो ध्यान से दोस्तों पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, आपको सारी जानकारी यहाँ पर मिल जाएगी। तो आइए सबसे पहले हम आपको ले चलते हैं कि आखिर एडमिट कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप अपने फ़ोन के ब्राउज़र में जाइएगा गूगल क्रोम पर जाने के बाद दोस्तों आप एक बार इसको ऐसे रिफ्रेश कर दीजिएगा। तो दोस्तों रिफ्रेश कैसे होगा, यहां पर तीन बिंदी पर क्लिक करेंगे और यहां पर क्लिक कर देंगे दोस्तों, रिफ्रेश हो जाएगा। रिफ्रेश होने के बाद देखिए नंबर एक पर दोस्तों एडमिट कार्ड पे लिखा है सीटेट एडमिट कार्ड 2021। जी हां दोस्तों, देख रहे होंगे लिखा है सीटेट एडमिट कार्ड 2021, इसी पे आपको क्लिक कर देना है दोस्तों। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहां से नीचे आप चले जाइए। अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं दोस्तों, ध्यान रखिएगा, अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल गए हैं दोस्तों, तो यहाँ पर क्लिक करके आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर पता है तो आप कुछ मत करिएगा दोस्तों, क्लिक हियर पर करिएगा डाउनलोड एडमिट कार्ड, जहाँ पर लिखा था दोस्तों। यहाँ पर आप अपना एडमिट कार्ड का रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालिएगा जो भी हो दोस्तों, ठीक। उसके बाद फिर यहाँ पर दोस्तों अपनी डेट ऑफ बर्थ डालिएगा, जो भी तो आपकी डेट ऑफ बर्थ हो। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर ये जो नीचे सिक्योरिटी पिन दिया गया है दोस्तों, देख रहे होंगे ये नीचे सिक्योरिटी पिन दिया गया है, ये सिक्योरिटी पिन आप यहाँ पे डाल दीजिए, एक एक, उसके बाद कैपिटल और स्मॉल का ध्यान रखिएगा दोस्तों, एक एक पी, और इसके बाद दोस्तों 769। इसको डालने के बाद दोस्तों जब आप सबमिट करेंगे, अब जैसे मेरा बता रहा है कि वैलिड एप्लीकेशन नंबर दीजिए, जब आपका एप्लीकेशन नंबर सही रहेगा दोस्तों तो वो ऑटोमेटिक आगे चला जाएगा और आपका एडमिट कार्ड डाउनलोड हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपका एडमिट कार्ड यहाँ से डाउनलोड हो जाएगा। अब आपको हम ले चलते हैं कि आखिर आपको एग्ज़ाम में क्या क्या ले के जाना है और क्या चीज़ उस पर ध्यान रखनी है दोस्तों। तो दोस्तों आपको ले करके क्या क्या जाना है ध्यान से देखिएगा। सबसे पहली चीज़ तो दोस्तों आप इसका देख लीजिए, ये मैंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया है, इसमें लिखा है कि इन केस ऑफ, अगर आपकी फ़ोटो सही नहीं रहती है दोस्तों, अगर आपकी एडमिट कार्ड पे फ़ोटो सही नहीं आती है तो आप जो है एक फ़ोटो ले लीजिएगा, एक आप दोस्तों फ़ोटो आईडी प्रमाण पत्र ले लीजिएगा, जिससे आपको मतलब कि ये प्रूफ हो जाए कि हाँ वो आप ही की फ़ोटो है दोस्तों। तो आप उसको ले करके अपने साथ ज़रूर रखिएगा दोस्तों। देखिए, द कैंडिडेट मस्ट सेल्फ अलॉन्ग एडमिट कार्ड फॉलो दिस इंस्ट्रक्शन, मतलब कि एडमिट कार्ड के साथ साथ आपके पास क्या क्या होना चाहिए वो सारी चीजें इसमें बताई गई है दोस्तों। आप याद रखिएगा, पेन या पेंसिल आप साथ में लेकर जाइएगा दोस्तों, पेन पेंसिल साथ में लेकर जाइएगा। आपको CBSE पेन नहीं देती है, जैसा कि देखिए दोस्तों और सभी एग्जामों में पेंसिल जो है वहां पर मिलती है आपको, लेकिन इसमें देखिए साफ साफ लिखा है कि CBSE दोस्तों आपको पेंसिल नहीं देती है, ठीक। आगे देखिए दोस्तों, आपके पास द कैंडिडेट सेल्फ डिक्लेरेशन, ये तो ही है दोस्तों, द कैंडिडेट शुड एग्जामिनेशन सेंटर 120 मिनट बिफोर, मतलब कि एग्ज़ाम के पहले आपको पहुंच जाना है आपका एग्ज़ाम सेंटर जहां पर है वहां पर दोस्तों। CBSE देखिए लिखा है कि CBSE विल नॉट प्रोवाइड बाल पॉइंट पेन, CBSE बाल पेन प्रोवाइड नहीं करती है, इसलिए आपको पेन लेकर जाना पड़ेगा दोस्तों। उसके बाद देखिए, हैविंग एडमिट कार्ड एंड फोटो आईडी प्रूफ शैल नॉट बी अलाउड, अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी ऐसी चीज़ हो जो नहीं होगी दोस्तों, तो आपको अलाउड नहीं किया जाएगा, अर्थात आपको एग्ज़ाम नहीं दिया जाएगा। आगे देखिए, कैंडिडेट शुड यूज ओनली ब्लैक वा ब्लू, जी हाँ दोस्तों, ब्लैक या ब्लू बाल पॉइंट पेन का ही यूज कर सकते हैं, किसमें दोस्तों, राइट लिखने में अथवा फिल करने में, OMR सीट में जो है पेंसिल का इस्तेमाल नहीं करेंगे दोस्तों, याद रखिएगा। और देखिए, आप जो है आप कुछ लेकर नहीं जा सकते दोस्तों, वही एक चीज़ और देखिएगा क्या लिखा है दोस्तों, डाउनलोड लेकर मतलब डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपको एडमिट कार्ड लेकर जाना है, एक फ़ोटो प्रूफ लेके जाना है, उसके बाद बाल पॉइंट पेन लेके जाना है, सैनिटाइज़र लेके जाना है दोस्तों, और वहीं अगर आपको पानी की बोतल लेकर जानी हो तो ट्रांसपेरेंट पानी की जो बोतल हो आप उसे लेकर जा सकते हैं। आगे देखिए दोस्तों, इसके बाद आपके पास ना तो घड़ी होनी चाहिए दोस्तों, ना तो आपके पास वॉलेट होना चाहिए, ना तो आपके पास चश्मा होना चाहिए दोस्तों, ना तो आपके पास हैंड बैग होना चाहिए, ना ही आपके पास मोबाइल फ़ोन होना चाहिए, ना तो आपके पास
ईयरफोन होना चाहिए दोस्तों, और ना ही आपके पास माइक्रोफोन होना चाहिए, अर्थात दोस्तों कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप लेकर नहीं जा सकते हैं। तो इन सभी बातों का दोस्तों ध्यान रखिएगा, और याद रखिएगा कि आपको केवल एक आईडी प्रूफ ले जाने की ज़रूरत है, कोई मार्कशीट, कोई ओरिजिनल डॉक्यूमेंट उस तरह लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। केवल आप आधार कार्ड लेकर जाइए, फ़ोटो आपकी क्लियर नहीं है तो एक फ़ोटो लेकर जाइए और आप अपना एडमिट कार्ड लेकर जाइए। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। नमस्कार, धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों। और याद रखिएगा, एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद शाम को आपका एनालिसिस ज़रूर करवाया जाएगा, आप जल्दी और सही और सटीक जो है आंसर यहाँ पर प्राप्त कर लेंगे। तो इसके लिए अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं दोस्तों तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।